सीएम गहलोत ने कांग्रेस वॉर रूम में कांग्रेस गुरुवार को पीसी के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी के पीसीसी चीफ के घर ईडी का छापा बड़ी बात है। देश में एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ने आतंक मचा रखा है। कल घोषणाएं की और आज छापे पड़ गए। इन्होंने देश में आतंक मचा रखा है। मेरे बेटे को भी ईडी ने समन भेजी है। कांग्रेस और कांग्रेस नेता घबराने वाले नहीं है। बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह ईडी बना लेना चाहिए। सवाल पीसीसी प्रेसिडेंट का नहीं है, सवाल मेरे सन का नहीं है, सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है। और जिस पर आतंक है, छत्तीसगढ़ में करीब 60 परसेंट ईडी के लोगों ने मैंने सुना है वहां अपने फैमिली शिफ्ट कर दिया, वहीं मकान वगैरह किराया ले लिए, क्योंकि रोज उनको छापेमारी करनी पड़ी। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने 4-5 लोग जेल में बैठे हुए हैं वहाँ के आईएएस वगैरह। ये जो आतंक मचा रखा है, ये सब संकेत नहीं है। आज बतासा जगह छापा पड़ना मायने रखता है। किसान का बेटा है, लगा हुआ है जब से वो राजनीति में आए, तब से राजनीति में कर रहे हैं। एसएमसी के अंदर विपक्ष में थे तो भी कमी नहीं रखी आवाज उठाने की समस्याओं को लेकर राजस्थान के, तो किसानों की हो, मजदूरों की हो, आम आदमी को, असेंबली के अंदर या बाहर, उस व्यक्ति ने कभी कमी नहीं रखी। हमारी गवर्नेंस को जो है, जिस प्रकार रिफंड उन्होंने किया है, कोई कर नहीं सकता। और इसलिए टारगेट बनाया गया है, जो मैं कहना चाहता हूँ, टारगेट इसलिए बनाया गया है। जितनी इसकी निंदा करें तो कम है, हम किसी गौर शब्द निंदा करते हैं। वैभव गहलोत को कोई 5-10 साल में सुनता रहता हूँ, लोग शिकार ईडी में करते करते, एक वो महाराष्ट्र के आए थे मेंबर पार्लियामेंट, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, तब से सुन रहा हूँ मैं। और परसों कल नोटिस मिला, आज मैं जाकर हाजिर हो ईडी के अंदर, कल नोटिस मिला, तारीख लगी 19 तारीख लगी हुई, कल 25 को नोटिस, 26 को आप हाजिर हो जाओ। तो क्या है, ये मजाक नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी उसके नेता कोई घबराने वाला नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। हमारे यहाँ तो टीडी चलाता है, उस सीटीडी जो पाकिस्तान जाता है टीडी दल, वो फसलों चट कर जाता है, ईडी इनकी फसलों को चट कर जाएगी।